होम डेकोरेटर देसी अंदाज में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो है टोस्टर क्लीनिंग। और इसके लिए ये आप देख सकते हो मेरे पास टोस्टर है, बजाज का है ये टोस्टर। और इसका हम क्लीनिंग देखेंगे। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसको काफ़ी यूज़ करते हैं और ये कभी कभी क्लीनिंग करना हमारा रह जाता है, तो ये क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसके लिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जो क्रम्ब ट्रे है वो निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कितना सारा क्रम्ब इकट्ठा हो जाता है, इसको हम पहले निकाल लेते हैं। और इसका जो अंदर का ये जो पोर्शन है इसको हम एक पुराने टूथब्रश से बस इस टाइप से धीरे धीरे जो भी हमारा क्रम इधर होगा वो सब निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि कॉइल्स को कुछ ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हमको रगड़ना नहीं है, बस सिंपली एक छोटा सा हल्का सा हल्के हाथों से उसको निकाल लेना है। कुछ क्रम होगा तो इस तरह से, और इसको बस उल्टा करके थोड़ा सा, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना है, थोड़ा सा हल्के से हिलाना है ताकि जो हमारा क्रम होगा जो अंदर वो सारा निकल जाएगा। अब हमको एक बाउल में मैंने एक टीस्पून में बेकिंग सोडा लूँगी, 2 से 3 टीस्पून में उसमें विनेगर डालूँगी। आप देख सकते हो रिएक्शन हो रही है। आप कुकिंग विनेगर यूज़ कर सकते हो, ये देखिए सिंथेटिक विनेगर है ये, इस टाइप से आप कोई से भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसको मैं अप्लाई करूँगी। देखिए यहाँ पे जैसे काफ़ी गंदा हो रहा है, इस टाइप से मैं बाहर बाहर के पोर्शन पे उसको अप्लाई कर रही हूँ। ध्यान रहे कि अंदर यहाँ पर जाना नहीं चाहिए, ज़्यादा विनेगर ना ले ब्रश को। इस टाइप से हम सारे एरिया पे लगा देंगे। नीचे लगाते टाइम ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा विनेगर हमको ब्रश में नहीं लेना है, बस सिंपली थोड़ा सा लेना है, उसको हल्के से निकाल देना है। और इस टाइप से हम नीचे से सब साफ कर लेंगे। और हम इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, 2 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ा था। और 2 मिनट के बाद हम, मैं एक लेमन ले रही हूँ, आधा लेमन मैंने लिया हुआ है छोटा सा, और उसके ऊपर मैंने बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। इस तरह से मैंने नींबू के ऊपर बेकिंग सोडा डाल लिया। अब इस नींबू से हम एक बार और इसको रब करेंगे और 2 मिनट के लिए हम फिर से उसको छोड़ेंगे। ये जब तक 2 मिनट हो रहे हैं तब तक हम हमारा जो क्रम्ब ट्रे है उसकी भी क्लीनिंग कर लेते हैं। उसको भी मैं वही सॉल्यूशन यूज़ करूँगी, विनेगर और बेकिंग सोडा का। इससे मैं अच्छे से इसको क्लीन कर रही हूँ और लेमन से भी एक बार इस टाइप से रब कर दूंगी। और इसको भी हम 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ेंगे। ये हमारे 2 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद मैं एक बार फिर से हमारे ब्रश से एक बार, अच्छा यहाँ पे एक डार्क था वो भी देखिए थोड़ा सा अभी बाकी निकल चुका है, मैंने मिश्रण अप्लाई किया था तो उससे निकल जाता है वो, थोड़ा सा इधर रब कर देंगे तो और निकल जाएगा वो। इस तरह से फिर से एक बार मैं घिस लूँगी, रब करूँगी अच्छे से। और ये जो हमारी वायर है इसको
इसको भी मैं ये वाला जो मिश्रण है हमारा इसको लगा दूंगी। और ये एक मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ेंगे, तब तक हम इस जो क्रम ट्रे है हमारा उसको साफ कर लेते हैं। उसको साफ करने के लिए मैंने देखिए ये स्क्रबर लिया हुआ है और इससे मैं बस थोड़ा सा इस टाइप से घिस लूँगी। और एक ट्रे में मैं इसको वॉश करूँगी, पानी वाला ट्रे लेंगे हम, इसको वॉश करेंगे। टोस्टर को साफ़ करने से पहले मैंने उसको स्विच बोर्ड से निकाल लिया था। कभी भी कुछ भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जब रहता है उसको हमारी जब क्लीनिंग करना रहता है तब उसको मेन स्विच बोर्ड से डिटैच करना बहुत ज़रूरी है, वो मैंने कर लिया था। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। मैं उसको एक तो पेपर नैपकिन से आप पोंछ सकते हो या कपड़े के नैपकिन से भी पोंछ सकते हो। उसको अच्छे से हम ड्राई कर लेंगे। और अब हमारा ये भी एक मिनट हो चुका है वायर का। वायर को भी मैं स्क्रबर के हेल्प से थोड़ा सा घिस लूँगी। और इसके आउटर बॉडी को थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा करना है इससे। मैं इस नैपकिन को पानी में, अच्छे वाले पानी में थोड़ा सा डीप करके निचोड़ के फिर उसको साफ करने जा रही हूँ। देखिए मैंने नैपकिन को गीला कर लिया। अब हम इससे उसको पोंछ लेंगे, जो भी आउटर बॉडी है टोस्टर की हम इससे पोंछ लेंगे। वायर को भी मैं पोंछ रही हूँ। नीचे का जो पोर्शन है मैं उसको भी एक बार अच्छे से गीले और फिर ड्राई कपड़े से अच्छे से उसको पोंछ लूँगी। और मैं ट्रे को अटैच कर रही हूँ। ट्रे को मैंने अटैच कर दिया और ये हमारा टोस्टर की क्लीनिंग हो चुकी है। काफ़ी सुंदर लग रहा है ये, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो भी अगला वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और अगर पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब करके रेड कलर में लिखा हुआ रहता है उसे प्लीज़ प्रेस कीजिए और बेल आइकॉन पर भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं अगली बार वीडियो बनाऊँगी आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच।